Juventus to be. Allahor, Allahor. Madonna, Istanbul. Allahor, Allahor. CM केजरीवाल अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं और उनके आवास पर बाहर धरने पर बैठी महिलाओं को 50 दिन हो चुके हैं। ये महिलाएं आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और पिछले 1.5 महीने से ज्यादा समय से अपना मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही हैं। धरने पर 6 महिलाएं हंगर स्ट्राइक पर भी बैठी हुई हैं। यूनियन की मांग सरकार से लिखित आश्वासन की है। अभी तक सरकार की बेरुखी और सीएम के जन्मदिन मनाने की बात से यूनियन के लोग उन्हें नीरो की संज्ञा दे रहे हैं। आम आदमी का लबादा है ये, खास आदमी बर्थडे पे भी जो खर्चा होगा पूरी दिल्ली अपना जो खर्चा करेंगे वो और नेताओं से हमें अलग नहीं लगते हैं, वो भी शानो शौकत बनाएंगे। और ये कहीं ना कहीं एक जैसा कि महिला 2-3 दिन पहले एक महिला है जिनकी मौत हो गई स्ट्राइक में, लगातार आ रही थी स्ट्राइक में आने की वजह से, जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी लेकिन एक बीमारी में यहाँ आना पड़ता था, उनकी मौत हुई 2 दिन पहले। एक महिला मूवमेंट में थी, उनका मिसकैरेज हो गया है। तो हम कहेंगे एक कहीं ना कहीं हत्याओं पे और लाशों पे वो अगर बर्थडे खुश होकर मना रहे हैं तो सोचने वाली बात है कि कैसे बर्थडे मना लेते हैं। और झूठा एक आप कहते हैं कि महिलाओं की उन्हें चिंता है, जैसे कि वो नीरो था और लोग मर रहे थे और वो बांसुरी बजाता रहता, तो उसी तरह के ये भी हैं। इनसे अलग नहीं, हमें नहीं लगता कि केजरीवाल जी किसी भी पार्टी के और नेता से अलग है। 50 दिन से केजरीवाल सरकार के खिलाफ जारी आंदोलन में महिलाओं की हालत लगातार खराब हो रही है। प्रदर्शन में शामिल एक महिला का मिस कैरेज भी हो चुका है। यहाँ तक कि धरने की जगह पर शौच और साफ पानी की सुविधा को मना कर दिया गया है। हमने अपने काम में क्या कमी करी है कि वो आज यहाँ आने के लिए बिल्कुल भी वो नहीं है। कम से कम एक अपनी माँ और बहन को ये याद करके देखें कि हमारी माँ बहने जो हमारे घर में रहती है उनके चेहरे देख के तो उसे तरस आता होगा, वो एसीओ में बैठते हैं, लेकिन बाहर आके देखें कि कितनी मजबूर, कितने छोटे बच्चों को, कोई विधवाएं हैं, कोई किस तरह से, वो यहाँ आ रही है, उसे कोई उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना बर्थडे आज उन्हें याद आ रहा है। शर्म आनी चाहिए कि इन हालातों में जो लेडी से बैठी है, जो इनके ऊपर बीत रहा है, वो तब भी अपने जन्मदिन मनाने में लग रहे हैं। सरकार इन आंगनवाड़ी प्रदर्शनकारियों के आंदोलन को साजिश मानकर चल रही है। सरकार के मुताबिक एनजीओ के इशारे से ये वर्कर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ते इन वर्कर्स के आंदोलन के कारण 80% से ज्यादा आंगनवाड़ी में कामकाज पूरी तरह ठप है। तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।